हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ जोन की वेबसाइट पर अभी अभी एक नोटिस पब्लिश हो गया है जो कि रिवाइज्ड वीकेंसी को लेकर के है। तो इसमें वीकेंसी जो है वो आपकी रिवाइज्ड हुई हैं और पैनल भी अब आपका कल 100% आ ही जाएगा। अब जो है रेलवे वो अपनी नींद से जाग चुका है, दिल्ली रेलवे, जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि वो शायद सो गए हैं, तो मुझे लगता है अभी वो जाग गए हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले सारी बात समझते हैं और वीडियो कंप्लीट देखेगा सभी के लिए। एक और बात बता देता हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि सभी रेलवे स्टूडेंट हैं आरआरबी दिल्ली जोन से, तो आप भी उसी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं किस कैटेगरी की कितनी वीकेंसी कम हुई हैं, किस पोस्ट की वीकेंसी बढ़ी हैं, किसकी कम हुई हैं, क्या वीकेंसी कम हुई हैं या बढ़ी हैं या फिर उतनी की उतनी है। सारी क्वेश्चनों के आंसर अब आपको इस वीडियो को अंत तक देखने बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिस का वो पब्लिकेशन, सॉरी जो नोटिस पब्लिश हुआ है वो दिखा देते हैं किस डेट का नोटिस पब्लिश है ये। तो ये रही आपकी चंडीगढ़ जोन की वेबसाइट और यहाँ पर आप देखेंगे ये रही डेट, आपको यहाँ मेंशन होगी 15/4/2023, यानी आज ही की डेट का ये नोटिस आपके सामने है, पब्लिश है, जो कि 6/4/2023 में ही बन गया था। देखिए नोटिस 6/4/2023 में ही बन गया है, ठीक है ना। उसके बावजूद यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये बात हो रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए मेरे भाइयों देखते हैं इस नोटिस में क्या है। तो यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक, हेयर पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपका डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। मेरे पास ये पहले से ही नोटिस डाउनलोडेड है तो मैं यहीं से इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं अभी इसमें क्या तब्दीली की गई है। ये मेरे पास देखिए ये वाला जो नोटिस है आपका, ये पुराना वाला है और ये वाला अभी नया है, तो दोनों को हम देखेंगे दोनों में क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले मैं नए में देखकर आपको बताता हूँ क्या लाइनें लिखी हुई हैं। तो ये रहा, आपने जैसा कि नोटिस को डाउनलोड कर ही लिया होगा, अभी हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये जो फर्स्ट पोजीशन पर लाइन लिखी है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये भाई नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, और नई दिल्ली जोन का ही है, ठीक है। इस बात में आप अपना टेंशन फ्री होकर रिलैक्स कर लें। 6 में ये नोटिस बन गया होगा, ठीक है, यानी 6 में इस नोटिस पर बात हो गई थी 6/4/2023 में, 12 की डेट में इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए और अभी ये 15 की डेट में आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस नोटिस में है क्या, तो इस नोटिस में आपकी रीएडजस्टमेंट किया गया है नॉर्दर्न रेलवे की वीकेंसीज़ को, रीएडजस्टमेंट, समझ रहे हैं, यानी सिर्फ आपकी पोस्ट चेंज की गई हैं। जिस पोस्ट में मान लीजिए किसी में 500 वीकेंसी हैं तो या तो बढ़ा दी होंगी या घटा दी होंगी, रीएडजस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, अगर आप इसको मोटा मोटा समझें तो कहा गया है कि 13,153 टोटल वीकेंसी हैं, लेकिन हमने जो रीएडजस्टमेंट की हैं वो सिर्फ 12,908 वीकेंसी की हैं। इसके अलावा जितनी भी वीकेंसी बचती हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, समझ गए आप मेरी बात, ये बात कही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर आपके यहाँ पर ये वही बातें कही हैं कि फिर वेबसाइट वगैरह के चक्कर में ना पड़े। अभी हम यहाँ देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम टोटल देखते हैं कि टोटल वीकेंसी पहले 13,153 थी, तो क्या अब भी 13,153 ही है, कुछ घटत बढ़त तो नहीं हुई। तो देख लेते हैं मेरे भाई, तो आज भी इसमें 13,153 वीकेंसी हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वीकेंसी कम हुई हैं या वीकेंसी बढ़ी हैं, तो वो बात बिल्कुल गलत है। वीकेंसी जितनी पहले थी उतनी ही अब हैं, सिर्फ वीकेंसी को रीएडजस्टमेंट किया गया है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको तुलना करके दिखा देता हूँ आपके पुराने नोटिस के साथ, क्या पुराने नोटिस में वीकेंसी भी इतनी ही थी। तो देख लेते हैं मेरे भाई, ये रहा आपका पुराना नोटिस, ठीक है, और पुराने नोटिस के अंदर आपकी जो वीकेंसी हैं अब हम उनको देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा लोड लेगा खुलने में, ये रही, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी 13,153 वीकेंसी थी, तो देख लेते हैं मेरे भाई क्या यहाँ पर भी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात, पहले हम जोन देख लेते हैं,
ये रहा आपका नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, और यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी वाली लिस्ट है, इस टोटल वैकेंसी में यहाँ पर भी कितनी है, 13,153 वैकेंसी हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसी तो घटत बढ़त नहीं हुई है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं नोट करके दिखा दूंगा। देखिए ये सबसे पहली लाइन है जर्नल की, यहाँ पर 5,144 वैकेंसी थी पहले, और आज भी कितनी है, 5,144 वैकेंसी आज हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,117 वैकेंसी थी टोटल पहले, आज भी कितनी है, तो आज भी यहाँ पर 2,117 वैकेंसी हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में जो तीसरा कॉलम है वो है आपका ओबीसी का, शायद है देखते हैं, बिल्कुल नहीं सॉरी एससी एसटी का, एसटी के बाद है ओबीसी। तो एसटी की जो वैकेंसी है वो 1,031 वैकेंसी थी पहले वाले नोटिस में, तो इस नोटिस में देख लेते हैं इसमें कितनी है, तो यहाँ पर भी आपकी कितनी है, 1,031 ही वैकेंसी एसटी कैटेगरी की है, तो यहाँ भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसके बाद ओबीसी में 3,644 वैकेंसी, यहाँ भी 3,644 वैकेंसी, कोई छेड़छाड़ नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1,317 वैकेंसी, यहाँ पर भी 1,317 वैकेंसी, तो इन वैकेंसीज के साथ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। फिर मसला क्या है भाई, रिवाइज रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है उसको मैं समझाता हूँ। अब देखिएगा आप बड़े ध्यान से मेरे भाई, क्या चीज़ इन्होंने चेंज की है, बस आपको वो चीज़ मैं समझाता हूँ, बहुत आराम से मेरी बात को आप समझिएगा। अभी देखिए आपकी ये एक पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप में जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी थी पहले, 782 वैकेंसी थी। ये सीवन मेडिकल कैंडिडेट्स वालों के लिए होती हैं मोस्टली, ठीक है, तो 782 वैकेंसी थी पहले, जब 2019 में नोटिस निकाला था तब कितनी थी, 782 असिस्टेंट वर्कशॉप में। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या हुआ है, अब इस वाले नोटिस में आप देखेंगे उसमें थी 782, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रही असिस्टेंट वर्कशॉप की लाइन, असिस्टेंट वर्कशॉप, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हैं वो सिर्फ 200 कर दी हैं। तो ये काम किया है इन्होंने, समझ पा रहे, इस तरीके से वैकेंसियों को घटाया और बढ़ाया है। यहाँ पर अब ये कुल 200 वैकेंसी कर दी है, जहाँ 782 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर जो भी सीवन मेडिकल कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी सी घबराने वाली बात हो सकती है, उनके साथ में करीब 582 वैकेंसी यहाँ पर इस कैटेगरी से कम की गई हैं, ठीक है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं ये सारे, मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख भी चुके होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया ये वाली पोस्ट आपकी कम की गई है। उसके बाद चलिए औरों को भी चेक कर लेते हैं, कहीं यार और के साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो गया है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सभी के साथ छेड़खानी हुई होगी कुछ को छोड़कर। असिस्टेंट वर्कशॉप यहाँ पर भी अगर हम देखें RCF में है ये, तो इस यहाँ पर जो टोटल बन रहा है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज बन रही हैं वो हैं 173, ठीक है, और हम अभी न्यू वैकेंसी के अंदर देखें तो न्यू वैकेंसी में भी यहाँ 173 ही हैं, तो इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ये भी 173 की 173 ठीक है एकदम। चलिए इसके आगे की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो एक है असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ब्रिज में जो वैकेंसीज हैं वो थी मेरे भाई टोटल 385, कितनी है, पुराने में थी 385 और नए में कितनी हो गई है ये, तो ये वैकेंसी बढ़कर 412 हो गई हैं, नए में कितनी हो गई हैं, 412 हो गई हैं आपकी असिस्टेंट ब्रिज की, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं असिस्टेंट CND, असिस्टेंट CND की जो वैकेंसी थी पहले कितनी थी टोटल, तो पहले थी 1,310 वैकेंसी, और आज की डेट में अगर हम देखें तो कितनी है, तो आज की डेट में भी है 1,310 वैकेंसी, तो इन वैकेंसीज़ के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट डिपोट की बात अगर मैं करूं, तो टोटल 17 वैकेंसी थी पहले, कितनी थी, 17 वैकेंसी, आज की अगर हम बात करें असिस्टेंट डिपोट की, तो आज भी इसमें 17 वैकेंसी हैं, तो इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है। असिस्टेंट डिपोट स्टोर में ही इसमें जो NR में है, ठीक है, तो NR में कितनी थी,
तो ये थी 321 वीकेंसी, लेकिन यहाँ पर इनको रिड्यूस करके घटाकर कितना कर दिया गया है, तो यहाँ पर इनको घटाकर केवल 51 वीकेंसी कर दी है, केवल 51। तो इस तरीके से आपकी जो वीकेंसी हैं इनको रीएडजस्टमेंट किया गया है। आगे अगर हम देखें असिस्टेंट डिपोट में ही, तो ये आरसीएफ में हैं, आरसीएफ में जो वीकेंसी थी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, सॉरी ये रहा आरसीएफ में, तो यहाँ पर वीकेंसी आपकी 7 वीकेंसी थी पहले, कितनी थी पहले 7 थी, और आज की डेट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज की डेट में भी ये 7 हैं, तो इनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो आता है आपके असिस्टेंट लोको सीड के लिए। तो असिस्टेंट लोको सीड डीजल में जो वीकेंसी थी पहले थी आपकी 469 वीकेंसी, लेकिन अब कितनी कर दी गई हैं, अब कर दी हैं इसमें 400 वीकेंसी, तो यहाँ पर ये वीकेंसी कम हुई हैं। इससे अगली जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट ऑपरेशंस, तो इसमें भी वीकेंसीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जितनी पहले थी उतनी ही अब हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद असिस्टेंट पॉइंट मैन की अगर मैं बात करूं तो पहले वीकेंसी थी इसमें 2425 वीकेंसी, 2425, लेकिन अब की बात अगर मैं करूं तो अब की बात अगर हम करें असिस्टेंट पॉइंट मैन में, सॉरी मैंने एक शायद गैप कर दिया, कोई बात नहीं, असिस्टेंट पॉइंट मैन में अब की अगर हम बात करें तो अब वीकेंसी यहाँ पर हो जाती हैं आपके लिए 2656, तो ये वीकेंसी आपकी बड़ी हैं, जो कि A2 मेडिकल वालों के लिए होती हैं, तो A2 की वीकेंसी यहाँ पर ये बढ़ी हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो हैं आपकी वो हम चेक कर चुके हैं, 153, ठीक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन और आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नल एंड टेलीकॉम में पहले 615 वीकेंसी थी, लेकिन आज की डेट में ये वीकेंसी कर दी गई है आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम में 665 वीकेंसी, तो यहाँ पर भी इंक्रीज हुई है वीकेंसी, यानी हाँ। इसके अलावा आप अगर हम देखें असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में मेरे भाई पहले थी 44 और आज की डेट में है 100 वीकेंसी, तो यहाँ पर भी आपकी जो है वीकेंसी ये बढ़ी हैं। कुल मिलाकर के अब तक का जो निष्कर्ष मुझे यहाँ दिखाई दिया वो ये है कि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई रहा है लगभग, उनके तो मज़े हैं मेरे भाई, उनको उनके लिए इसमें ओवरऑल जो है बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन है उनके लिए मुझे लगता है कि ये वीकेंसी रीएडजस्टमेंट होना नुकसान साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और किस किस वीकेंसी में क्या क्या हुआ है। तो असिस्टेंट पॉइंट मैन, ट्रैक मैन, ये सब हमने पढ़ लिया। तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी की अगर हम बात करें तो पहले वीकेंसी 550 हुआ करती थी, लेकिन अभी की अगर हम इसमें बात करें तो केवल 19 वीकेंसी कर दी है मेरे भाई, ये बहुत कम वीकेंसी इन्होंने कर दी है, बहुत ही ज़्यादा कम, यहाँ पर मुझे लगता है सबसे ही कम वीकेंसी इन्होंने करी हैं, और इस बात का भाई बहुत दुख हुआ क्योंकि ये लो स्टैंडर्ड की ही मेडिकल स्टैंडर्ड की वीकेंसी हैं, तो जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है उनके लिए बहुत समस्या रही है मेरे भाई इसमें। अब इसी में ही टीएल एंड असिस्टेंट टीएल एंड एसी में ही आपके वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं तो 151 वीकेंसी थी पहले, लेकिन अब अगर हम इसमें वर्कशॉप की बात करें तो केवल और केवल 19 वीकेंसी इसमें कर दी हैं, ऊपर में शायद 51 कर दी थी और यहाँ पर इन्होंने केवल 19, ठीक है, वर्कशॉप में, लेकिन यहाँ पहले भी ये 19 ही थी, वर्कशॉप की 3 हैं इसमें, ठीक, टीएल एंड एन एसी की 3 हैं, तो एक में 51 कर दी हैं, तो जो कि पहले 151 हुआ करती थी उनको 51 कर दिया है, और जो दूसरी वाली हैं वो 19 थी, तो आज भी उनको 19 ही रखा गया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा असिस्टेंट टीआरडी,
टीआरडी की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट टीआरडी में पहले आपकी 266 वीकेंसी हुआ करती थी, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं आपसे तो आज टीआरडी में जो वीकेंसी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर 1006 वीकेंसी कर दी हैं, जो कि इस कैटेगरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी मेरे भाई। ये बहुत बढ़िया इन्होंने किया है यहाँ पर, अगर मैं इसको कहूँ तो। असिस्टेंट वर्कशॉप में पहले आपकी जो थी वो 709 वीकेंसी थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ सिर्फ और सिर्फ 159 वीकेंसी कर दी हैं, तो ये थोड़ा इनके लिए नुकसान है। असिस्टेंट वर्क्स में ही वर्कशॉप के अंदर की अगर मैं बात करूं तो पहले वीकेंसी 24 थी और आज भी 24 हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट की अगर बात करें तो पहले जो हॉस्पिटल अटेंडेंट में वीकेंसी थी वो 35 थी, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट में तो अब भी यहाँ पर 35 वीकेंसी हैं, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और हॉस्पिटल अटेंडेंट एनआर में और आरसीएफ दोनों में ही वीकेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लास्ट वीकेंसी जो सबसे ज़्यादा वीकेंसी आपके ट्रैकमैन ग्रेड 4 की हुआ करती हैं, तो ट्रैकमैन ग्रेड 4 की यहाँ पर 5150 वीकेंसी अब हो गई हैं, लेकिन पहले ये कितनी थी, तो पहले ये केवल और केवल 4683 वीकेंसी थी। तो 4683 थी, अभी ये 5150 हो गई हैं। तो जिन लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 या B1 यानी हाई रहा है, उनके लिए तो ये जो वीकेंसी रीएडजस्टमेंट है वो बहुत बेहतरीन और काबिले तारीफ और बढ़िया साबित होगा। लेकिन जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन है या चश्मे वाले हैं, उनके लिए ये गलत, बुरा और मैं कहूँ तो यार भाई दुख भरा साबित हो सकता है। तो बाकी जो कमेंट, जो डाउट है आपके, वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो अच्छे से बना दूंगा, यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह हम इस पर फिर से बात करेंगे। आप सभी तैयार रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। धन्यवाद सभी का।